पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। सबसे बड़ी चीज़ आज क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि पढ़ाई पर फोकस हम नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार पढ़ते बहुत है लेकिन उनको याद कुछ नहीं होता, पढ़ाई पर फोकस उनका रहता नहीं है। आजकल के स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है। आजकल के लोग बस ये चाहते हैं कि हम इधर उधर घूम लें फिर लें और साथ में हमारी पढ़ाई भी चलती रहे, लेकिन पढ़ाई में फोकस नहीं होने के कारण वो उनके मार्क्स भी कम आते हैं और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं और फिर बाद में ये सोचते हैं कि काश मैं पढ़ाई कर लेता। लेकिन बाद में कुछ सोचने से कुछ करने से आपको कुछ की कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जो करना है पहले ही करना है, क्योंकि समय आपको कभी भी ये कहकर नहीं आएगा कि मैं आपको फेल करने आ रहा हूँ या पास करने आ रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको अपनी मंजिल को स्वयं तय करना है। अगर आपको अपनी मंजिल को स्वयं तय करना है तो भैया पढ़ना भी स्वयं को ही पड़ेगा। ना तो आपका टीचर आपको वहाँ एग्ज़ाम में मदद करने आएगा, ना आपके पेरेंट्स आपको मदद करने आएंगे, आपकी मदद आपको स्वयं करनी पड़ेगी। जब मुझे ये पता है कि मुझे मेरी मदद स्वयं ही करनी है तो मैं अपनी मदद स्वयं कैसे कर सकता हूँ? तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है। और सबसे बड़ा चीज़ यही है कि भैया जब एग्ज़ाम होना ही है तो अपनी हेल्प स्वयं कैसे करें। तो सबसे आज यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मदद करने का तरीका क्या है। तो सबसे बड़े बात कर लेते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप स्वयं की मदद करने के। तो पहला तरीका ये है कि भाई सबसे बढ़िया चीज़ कि आप अपने लिए एक टाइम टेबल फिक्स करें। जब आप अपने लिए एक टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखा गया है कि जो बच्चे एक टाइम से एक रूटीन से पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा जल्दी याद होता है, क्योंकि रूटीन से पढ़ने वाले बच्चों को क्या है, माइंड में एक रूटीन बना रहता है और उस रूटीन के अकॉर्डिंग वो बहुत सारी चीज़ें लगातार याद करते रहते हैं। उनको पढ़ाई से बोरियत महसूस नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनकी रूटीन है, वह डेली की उनकी आदत बन जाती है, एक नेचर बन जाती है और उस नेचर के अकॉर्डिंग जब वह पढ़ते हैं तो उनको टेंशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होती। लेकिन आज क्या है कि जब अपन एक महीने बाद में किताबों को उठाकर पढ़ रहे हैं, 15 दिन बाद में किताबों को उठाकर पढ़ रहे हैं, बीच में हमने किताबें उठाकर देखी नहीं, तो फिर आपकी रूटीन बिगड़ जाएगी, आपको पढ़ाई बिल्कुल बोर सी लगेगी। हम पढ़ते तो हैं, कोचिंग भी करते हैं, क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, टीचर ने पढ़ाया उसको लिखा और घर आकर कॉपियों किताबों को हम पटक देते हैं और जब अगले दिन वापस कोचिंग का टाइम होने लगता है, स्कूल का टाइम होने लगता है तो वापस हम जाकर उन किताबों को डायरेक्ट कोचिंग या स्कूल में जाकर खोलते हैं। फिर अगले दिन टीचर जी वापस कुछ पढ़ा देते हैं तो वापस से नोट डाउन करके वापस से घर लाकर उनको पटक देते हैं। फिर अगले दिन वापस जाते हैं तो वापस उन्हीं जगह घर जाकर उन किताबों को ना तो हमने खोला ना उनको हमने पढ़ा। अब आप सोचो कि लगातार हम खुद हमारा सिलेबस बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार खुद हम मोटी मोटी किताबें करते जा रहे हैं। अब पढ़ना किसको है? हमें पढ़ना है, लेकिन हम उसको समय पर नहीं कर रहे। अगर समय पर करते हैं तो वह चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी लगती, क्यों? क्योंकि आज तो अभी जैसे 1 घंटे पहले हमें कोई टीचर ने पढ़ाया है, आज हम घर पा कर उसको अगर हैंड टू हैंड पढ़ लें तो कितना सा समय लगेगा। जहाँ 1 घंटे की क्लास थी, घर आकर रिविज़न करने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं करते और जैसे दिन निकलते जाते हैं तो हम उन चीज़ों को भूलते जाते हैं और हमेशा के लिए उस पढ़ाई को हम भूल जाते हैं। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हमारे डब्बे गोल हो जाते हैं, हमें कुछ याद आता ही नहीं। तो आप खुद ये सोचो कि गलती किसकी है, आपकी है, आपके पेरेंट्स की है या टीचर की है? गलती आपकी ही है, क्योंकि आपने समय रहते उस काम को नहीं किया। जीवन में कुछ भी करो लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कभी भी समझौता मत करो, क्योंकि जो बच्चा अपना पढ़ाई के साथ समझौता कर लेता है वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। आज नहीं तो कल आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ आपको हासिल करना है। और अगर आप पढ़ाई के आधार पर करना चाहते हो तो वो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और बच्चा पढ़ता नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत सारा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है।
तो मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई स्ट्रगल आए, इसलिए कोशिश ये करो कि भैया एक टाइम टेबल फॉलो करो, एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करो। जब आप एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपकी वो डेली की क्या बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी। और आदत को करने में कोई तकलीफ़, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता। जैसे रोटी खाना, रोज़ाना खाना खाते हैं, अपनी भूख मर जाती है, तो रोज़ाना डेली हमें एक निश्चित टाइम के बाद में भूख लग जाती है, वैसे ही लगातार आप जब पढ़ाई करने लगेंगे तो आपको 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन मुश्किल से दिक्कत आएगी। ये गारंटी में कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग करने पर आपको 10-15 दिन तक बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बार बार में आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन बाद में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से वो दिक्कतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वह इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने एक रूटीन चार्ट फॉलो किया है, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। आपको अगर 7 बजे बैठना है तो आप बैठोगे, आपको 8 बजे का टाइम आपने बना रखा है तो 8 बजे आप पढ़ने बैठोगे तो फिर बैठोगे, चाहे फिर आपका दोस्त आए, चाहे आपके फैमिली के कोई सदस्य आए, लेकिन आपका रूटीन चार्ट टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ की आदत बना ली। तो जीवन में आदत पालना सीखें, लेकिन आदतें भी वो पालें जो अच्छी हो, ऐसी आदतें बिल्कुल भी ना पालें जिनका कोई मतलब ना हो। बहुत सारे नशे में चले जाते हैं, बहुत सारे इधर उधर की पार्टियों में चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं जिनका कोई खुद का भी वजूद नहीं है, खुद का भी कोई मॉरल नहीं है। तो उन आदतों से ज़रूर बचें। आदतें पालनी हैं तो अच्छी पालें, जैसे पढ़ाई की आदत है, पढ़ाई की आदत से आप बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इन किताबों के अंदर सब कुछ है, इन किताबों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है जो आपको राजा से, एक रंग से राजा तक बना देती है। आपने देखा होगा एक गरीब बच्चा भी जब पढ़ाई के दम पर एक बड़ी जॉब पर जाता है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पढ़ाई आपको सब कुछ दे सकती है। एक गरीब का बच्चा होगा आज वो भी पढ़ रहा है, एक अमीर का बच्चा हो रहा है आज वो भी पढ़ रहा है। अगर अमीर का बच्चा है तो फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है, लेकिन वो भी पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको ये पता है, चाहे वो कितना एक करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो गरीब हो, सबको ये पता है कि भैया पढ़ेगा नहीं तो नॉलेज नहीं मिलेगी। पढ़ाई करना ज़रूरी है, ये गारंटी है। कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड कितना ही बड़े घर से वह बिलोंग करता हो, लेकिन पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है। तो आज मैं यही सबसे कहूँगा कि भैया पढ़ाई ऐसी करो जिससे आपको कुछ प्राप्ति हो, कुछ चीज़ें मिले। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आपका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है, आपका जो आप करना चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिल रहा है। कोशिश करो कि अपनी जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा और बेटर करो और अच्छा करो, रूटीन चार्ट बना लो और रोज़ाना डेली जितना मुझे पढ़ाया गया है उतना ही मुझे पढ़ना है। और जितना हो सके एकांत में पढ़ो, जहाँ पर बिल्कुल पीसफुल माहौल हो, एकांत हो, उन जगह पर जाकर आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पढ़ाई का फोकस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। बार बार में पढ़ाई से लिंक जब टूटता है तो वहाँ पर बच्चा बोरियत महसूस करता है, इसलिए अपनी पढ़ाई को एक फोकस माइंडेड होकर करें। थैंक यू।